hello students welcome to your pd education i am jitendra tyagi and i am with you again uh, to share one important notification uh, that is from odisha okay so always i try to uh, come with uh, in front of you by taking some good news for you okay for your career so here we have information from uh, odisha staff selection commission okay uh, notification hai, detailed advertisement for combined technical services recruitment exam 2022 फॉर ग्रुप बी स्टेट कैडर ओके एंड पोस्ट इन डिफरेंट ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा तो उड़ीसा सरकार ने ये वैकेंसी निकाली है उड़ीसा स्टाफ सर्विस जो सिलेक्शन कमीशन है उसके थ्रू ठीक है जिसमें मेन क्राइटेरिया तो डिप्लोमा बेसिस है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं सो कितनी वैकेंसी हैं और किस डिपार्टमेंट में है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट है www.ossc.government.in ओके सो यू कैन आल्सो फाइंड दिस पीडीएफ देयर एंड यू कैन रीड इन डिटेल एवरीथिंग ओके केयरफुली इंपोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू नोट डाउन इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम ऑफ नवंबर एंड इट विल एंड ऑन टेंथ ऑफ दिसंबर ठीक है ना तो ग्यारह नवंबर को स्टार्ट होगा और दस दिसंबर तक ये चलेगा तो ये डेट नोट कर लो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब फिल करना है और केवल ऑनलाइन मोड में इस वेबसाइट पे जाके आपको फिल करना है ठीक है कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है उनको आपको उसके बाद जो वैकेंसीज हैं जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल की कितनी वैकेंसी है ग्रुप बी में कितना लेवल ऑफ पे है लेवल नाइन में थर्टी से वन लैख ट्वेल्व तक का पे बैंड है ठीक है ना तो ये बाकी ब्रांचेज में भी आप चेक कर सकते हो मेनली देखो वैकेंसीज जेई सिविल जेई सिविल जेई सिविल उसके अलावा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की दो सौ सत्रह बी में ओके तो यह भी एक पोस्ट है है जिसमें इतना बड़ा नंबर का है, आ, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नाउ अदर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन एज लिमिट मेनली थर्टी एट ईयर्स है जो आप चेक कर सकते हो डिटेल में अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से और कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप है डिफरेंट सीट्स का वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल है तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 77 सेवन कैटेगरी में है जिसमें वुमेन के लिए 26 है ठीक है ना और अलग अलग कैटेगरीज़ में यहाँ पे वेकेंसी इन्होंने दिया हुआ है ये आप चेक कर सकते हो अपने अपने कैटेगरी के, के हिसाब से राइट देन वी हैव एटीओ कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजिशन ऑफ एटीओके आईटीआई एटीओ आई टी आई सो so, इसमें बेकरी एंड कॉन्फेक्सनरी एन टी सी बेकरी एंड कॉन्फेक्सनरी की एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में सो so, बाकी और जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं ये जैसे ये उनके लिए हैं जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जैसे आते हैं जैसे ड्राफ्टमैन हुआ ड्रेस मेकिंग हुआ डीजल मकेनिक हुआ आई वाले बच्चों के लिए एक्चुअली ठीक है तो आई के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो भी आप देख सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस के अंदर जिस ब्रांच में आपने आई किया हुआ है अकॉर्डिंगली आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ओके कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजिशन ऑफ ए टी ओ डिप्लोमा और डिग्री जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है ठीक है उन बच्चों के लिए ऑटोमोबाइल में तीन साल का डिप्लोमा है रिक्वायरमेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड एक वैकेंसी है इसमें इसी तरीके से बेसिक कॉस्मेटोलॉजी इसमें दो साल का डिप्लोमा हो या डिग्री हो रेलिवेंट फील्ड में सी ओ पी ए कंप्यूटर साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए तीन साल का ठीक है ड्राफ्ट्समैन सिविल तीन ईयर डिप्लोमा या फिर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग तो ये वैकेंसीज है यहां पे आप देख सकते हो डीजल मकैनिक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक अलग अलग ट्रेड्स जो होती हैं आई, आई में अब मैं उनको पूरा आपको रीड करके अभी नहीं बता रहा हूं आप इस पूरी पीडीएफ को डिटेल में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ ओके नाउ जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर सिविल पब्लिक हेल्थ के लिए जैसे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो सभी डिपार्टमेंट के आगे उन्होंने पे नेक्स्ट तो तो okay? उसके अलावा जो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है सो देर आर टू थ्री मेनली स्टेज वन एग्जाम होगा स्टेज टू में आपका मेन रिटीन एग्जाम होगा

स्टैंडर्ड का रहेगा लॉजिकल रीजनिंग रहेगा एनालिटिकल एबिलिटी जनरल मेंटल एबिलिटी और करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस और कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस ये प्रिलिम्स का सिलेबस है ठीक है तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है अगर आप तैयारी करोगे तो एग्जाम कर सकते हो क्लियर इजिली ओके बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे उसके अलावा जो स्टेज टू है जिसमें मेन रिटीन एग्जाम होगा टेक्निकल पेपर ये 200 का होगा 200 मार्क्स का थ्री आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा और इसमें टेक्निकल पेपर में देयर सेल बी डिफरेंट टेक्निकल पेपर फॉर डिफरेंट पोस्ट आपकी जो भी ब्रांच रही होगी अकॉर्डिंगली पेपर आएगा यहां पे. okay? जो टेक्निकल से रहेगा आपका प्लेस एंड डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम अभी इन्होंने डिस्कस नहीं मतलब फाइनल नहीं किया है जनवरी या फरवरी में यह एग्जाम हो सकता है टेंटेटिव डेट उन्होंने बताया एग्जाम का कि जनवरी और फरवरी 2023 में एग्जाम हो सकता है तो टाइम हमारे पास अभी नवंबर दिसंबर दो महीने का फुल टाइम है तैयारी कर सकते हो आप इजिली ओके बाकी लास्ट डेट में बता चुका हूं बाकी डिटेल्स आप इस पीडीएफ को देख के आप पढ़ सकते हो डिटेल में एक बार पढ़ना नोटिफिकेशन को जरूरी होता है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन ओके जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर रिक्वायर्ड है अटेस्टेशन जहां पे रिक्वायर्ड है केयरफुली फिल करो और ये अप्लाई करो और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ओके ऑल द बेस्ट